जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके घर के वास्तु दोष से जुड़ी जानकारी है। अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष होता है तो समझ लीजिए आप कितना ही धन क्यों ना कमाते हो, आपके जीवन के अंदर धन कभी भी बरकत नहीं देता है। अगर आप कितना ही स्वस्थ होने के उपाय क्यों ना करते हो, कितना ही दवाई वगैरह क्यों ना लेते हो, लेकिन अगर आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति बुरी शक्ति है तो आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है, आपको किसी न किसी तौर पर परेशानियां आती रहती है। लेकिन आज हम जो आपको उपाय बताएंगे, अगर आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को करेंगे तो आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति आपके घर से कोसों दूर चली जाती है, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य बनता है। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो हमें अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है, लेकिन अगर हम उनको भगाने के लिए उनके निमित्त उपाय करें तो हम उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव देख पाते हैं और अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की कर पाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं फिटकरी के कुछ ऐसे अनोखे और दिव्य ज्योतिषीय उपाय जिनको करने वाले हर व्यक्ति के जीवन के अंदर दोस्तों परेशानियां लाखों गुना दूर चली गई है और उनको मिला है तो उनके जीवन के अंदर फायदा ही फायदा प्राप्त हुआ है। दोस्तों, फिटकरी वैसे तो दिखने के अंदर एक मामूली सी चीज है जो कि पानी को भी खारा कर देती है या फिर पानी को स्वच्छ कर देती है, लेकिन यह आपके जीवन के अंदर धन का पावर बढ़ाती है, आपके जीवन के अंदर ऐश्वर्य को लेकर आती है, आपके जीवन के अंदर बुरी शक्तियों को काफी दूर तक भगा देती है। भगवान संदेव के उपायों के अंदर भी फिटकरी का विशेष महत्व रहता है और जब यह आपके घर के अंदर होती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले उपाय की कि यह उपाय कैसे करना है और क्यों करना है। दोस्तों, अगर आपको आपके घर के अंदर धन की बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी हो, अर्थात कोई कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गया हो और वह कर्ज समय से पहले चुक नहीं पा रहा है, या फिर कोई विशेष प्रकार का कोई आप कर्ज लेना चाहते हैं और आपको वह कर्ज नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके पैसा कहीं पर अटक गया है, या चाहते हैं कि धन के आगमन आपके घर परिवार के अंदर मजबूत हो, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है और काले कपड़े के अंदर आपको फिटकरी बांध देना है और इस काले कपड़े के अंदर फिटकरी को बांधकर आपको ओम से शनिचराय नमः भगवान शनिदेव का मंत्र है। क्योंकि दोस्तों, जब शनि अभी तो वक्री चल ही रहे और जिनके जीवन के अंदर शनि प्रभावित करते हैं उनको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है और जिस कारण वह कितना भी क्यों ना प्रयास कर ले, लेकिन वह अचंभित इस कारण रह जाते हैं कि उनके प्रयास सारे विफल होने लगते हैं। तो भगवान शनिदेव के निमित्त उपाय किया जाएगा, काले कपड़े के अंदर फिटकरी बांध लें और उसके बाद ओम से शनिचराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप करें और पोटली को अपने सर से घुमा दें। और उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ आपको बांध देना है, लेकिन दोस्तों इस प्रकार बांधे कि बाहर से आने वाले कोई भी व्यक्ति की नजर सीधे इस पोटली के ऊपर पड़े और उसके बाद वह आपके घर के अंदर प्रवेश करे। ऐसा करने पर आपके घर के अंदर दोस्तों अगर किसी की बुरी शक्ति, बुरा दोष या नकारात्मकता होगी तो वह फिटकरी के द्वारा सोख ली जाएगी, आपके घर के अंदर बुरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाती है और आपको अगर मिलता है तो उसके कारण सकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर आती है और नकारात्मक और बुरे विचार आपके घर से ही दूर चले जाते हैं, इतना प्रभावशाली इस उपाय को देखने वाला मिलता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की उठा पटक चल रही है या फिर जिनकी विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर उनका पति या पत्नी या बच्चे कोई भी अगर ज्यादा समय तक बीमार रहता है तो यह उपाय उनके लिए किया जाएगा और निश्चित तौर पर यह उपाय करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर इस क्षेत्र के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। आपको कुछ कोई विशेष कार्य नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। अब आप चाहते हैं जैसे कि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था उसके ऊपर, या जो व्यक्ति बीमार रहता है तो उसके ऊपर, या जिस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन संपन्न करना हो या वैवाहिक जीवन के अंदर कोई बाधा हो तो उनके ऊपर आपको क्या करना है कि फिटकरी लेकर उसको जल के अंदर भिगो दें, साफ कर लें, उसके ऊपर थोड़ा गंगा जल छिटक दें और उसके बाद आपको क्या करना, उसको एकदम सूखा लेना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको
उस पिटकरी को घुमा देना चाहिए और ओम मम काम पिचासनी नम कुरुम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम मम काम पिचासनी नम कुरुम इस मंत्र का आपको जाप करने के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को मात्र और मात्र आपको क्या करना है कि आग के अंदर उस फिटकरी के टुकड़े को पूरी तरह से आपको जला देना चाहिए। और जब वह जल जाएगी तो फिटकरी क्या होगी कि वह पिघल जाएगी और एक गोला बन जाएगी। तब आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया उसके जूते से आपको उस फिटकरी को बार बार पीटना चाहिए। उसके जूते से उस फिटकरी को इतना पीटे कि ताकि वह फिटकरी का टुकड़ा एकदम समतल हो जाए या वह बिखर जाए। ऐसा करने कर आपके ऊपर जो बुरी शक्तियां थी, बाधाएं थी, वह इस फिटकरी के द्वारा सौंप ली जाएगी और निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाता है। दोस्तों एक विशेष उपाय फिटकरी का यह भी है और करने वाले कई लोगों ने इसका फायदा भी देखा है। अगर आपको कोई नजर दोष हो, बुरी शक्ति लग जाती हो या फिर आपको बार बार नजर दोष लगता हो और आप चाहते हैं कि उसके आपको छुटकारा मिल जाए तो आपको क्या करना, अपने सर से 7 बार फिटकरी को ओसार कर इसे आग के अंदर जला दें। दोस्तों निश्चित तौर पर जो जिस व्यक्ति की आपके ऊपर नजर लगी है उसका चेहरा अपने आप ही उस फिटकरी के अंदर उकर जाता है और वास्तव में आप देखेंगे कि आपको इसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह अगर आप अपने घर के अंदर धन का आगमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके परिवार के अंदर धन का फ्लो कभी भी कम नहीं हो, तो मंगलवार विशेष के दिन आपको क्या करना है कि एक लाल धागे के अंदर इस फिटकरी को पूरा लपेट लेना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको गेहूं, एक कटोरी गेहूं लेना चाहिए या फिर आपको इतना गेहूं लेना चाहिए कि फिटकरी का वह लाल धागे के अंदर जो टुकड़ा आपने बांधा है वह पूरा का पूरा उस गेहूं के कटोरे के अंदर डूब जाना चाहिए। बस मात्र आपको इतना करना है और आपको क्या करना है, जो व्यक्ति है जिसके लिए आप मनोकामना चाहते हैं, धन वृद्धि के हेतु चाहते हैं या उसके लिए उसकी अच्छी तरक्की है तो उसकी शिक्षा है तो जो भी मनोकामना चाहते हैं वह मनोकामना आपको मांग लेनी मात्र है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के सर से आपको उस फिटकरी के टुकड़े जिसको आपने गेहूं के अंदर डुबोया है, कम से कम दोस्तों आपको 1 किलो तो गेहूं लेना ही लेना है ताकि किसी व्यक्ति का फायदा हो, तो आपको इतना लेकर आपको क्या करना है उस व्यक्ति के ऊपर से ओसार ले और ओसारते समय आपकी जो भी मनोकामना है वह मांगे। और उसके बाद रात्रि को जब सुबह व्यक्ति सो रहा है जिसके लिए आपने मनोकामना मांगी है उसके पास में ही आपको इस कटोरे को रख देना है। दोस्तों निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की सारी नकारात्मकता दूर चली जाती है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगले दिन जब सुबह जल्दी उठे, नहाने के बाद ही आपको इसको स्पर्श करना, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आपको नहाने के बाद आपको क्या करना है, फिटकरी के टुकड़े को तो निकालकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको विसर्जित कर देना चाहिए या फिर इसे जमीन में गड्ढा खोदकर दब देना चाहिए। और जो गेहूं का दान है उसे आपके आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति जिसको दान की जरूरत हो उसी व्यक्ति को आपको इसे दान कर देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपके बनते काम जो बिगड़ जाते हैं वह कार्य बनने लगेंगे। और निश्चित तौर पर आप क्योंकि कई बार होता है कि व्यक्ति किसी कार्य के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित होता है कि उसका वह कार्य तो चुटकियों के अंदर बन जाएगा लेकिन वह बिगड़ जाता है तो आपको उसका कोई भी तरह का कोई पश्चाताप नहीं होगा क्योंकि आपका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता है और निश्चित तौर पर आपके उस कार्य के अंदर आपको फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप किसी विशेष धन वृद्धि के कार्य हेतु या विशेष कार्य हेतु कहीं बाहर जा रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि वह आपका कार्य किसे भी करके आपका वह कार्य बन जाए और उस कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त हो तो निश्चित तौर पर इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर वह सफलता प्राप्त होगी। चाहे आप किसी विशेष कार्य हेतु जा रहे हो, नौकरी हेतु, व्यापार हेतु या कोई अच्छी बात करने हेतु कहीं दूर जा रहे हो तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना चाहिए और उसके बबाद अपने सर से उस फिटकरी के टुकड़े को 7 बार ओसार कर आपको आपकी मनोकामना पूर्ति है तो मनोकामना मांगने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आपको आना चाहिए। पहले तो अपने सर से 1 लोटा जल 7 बार ओसार कर घर के बाईं तरफ आपको इस लोटे को फेंक देना चाहिए और उसके बाद पहला पांव आपका घर का बाहर पड़े तो वहां पर आपको उस फिटकरी को रखकर उसको अपने पैरों तले कुचल कर आपको जाना चाहिए। उसके बाद उस फिटकरी के टुकड़े को बाईं दिशा की तरफ फेंक देना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर इससे आपकी नजर उतर जाती है और आप जिस कार्य हेतु जाते हैं अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ में लेकर जाते हैं तो आपका वह कार्य बन
जाता है। बस आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि उस फिटकरी के कचरे का बिल्कुल भी एक भी पार्ट आपका वापस आपके घर के अंदर या आपके साथ नहीं जाना चाहिए, तो आपका कार्य बन जाएगा और आपको आपके कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों ये नकारात्मकता को दूर, बुरी शक्तियों को आपसे दूर करने का उपाय है और उस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर कहीं पर वास्तु दोष है और आप चाहते हैं कि घर का वह वास्तु दोष समाप्त हो जाए और कैसे भी करके आपको उस वास्तु दोष से छुटकारा मिले, तो जहां पर वास्तु दोष है वहां पर कांच के अंदर फिटकरी आपको थोड़ी डालकर आपको रख देनी चाहिए और समय समय पर इसे बदल देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपके घर का वास्तु दोष सही हो जाता है। जहां पर वास्तु दोष होता है उसका प्रभाव, गलत प्रभाव आपको आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलता है, मिलता है तो बस आपको फायदा ही फायदा प्राप्त होता है। उस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारियां तुरंत प्रभाव से आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।